अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज के मैदान में शकील अहमद खां मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ एमपी विजय कुमार मांझी के द्वारा किया गया। इसके सफल आयोजन के लिए तेज टावर के शालिक गोहर, फैजल खां, मोहम्मद रफी आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहला मैच अनुग्रह और व्हाइट हाउस क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया, जिसमें व्हाइट हाउस की टीम ने 12 ओवर में 8 विकेट खोकर 168 रन का लक्ष्य दिया, जिसमें अनुग्रह टीम ने 9 विकेट खोकर मात्र 131 रन ही बना पाए। इस मैच में ताबिस मलिक को मैन ऑफ द मैच देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव, राजू बर्णवाल, तेज टावर के विकास कुमार शाह के साथ अनेक लोग उपस्थित थे। ब्यूरो न्यूज़ बिहार के लिए गया से आशीष कुमार की रिपोर्ट। टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया, जिसमें डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव जी, जिला पार्षद उमेर खान और टीका खान साहब, हमारे जदयू के नगर अध्यक्ष राजू बर्णवाल साहब और जो कप्तान है क्या उनका फादर नवाब खान साहब, हमारे बड़े भाई, सभी लोग हम लोग हैं। एक तरह से मैंने कि खेलो इंडिया के तहत सभी आज खेल प्रोग्राम का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, और हम समझते हैं कि खेल के साथ साथ स्वास्थ्य और सामाजिक सौहार्द भी बनता है। इस तरह के खेल आयोजन होते रहना चाहिए, और ख़ास करके उमेर खान साहब को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं कि यह आयोजन के लिए, और बहुत बड़े पैमाने पर के इनको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार प्रकट करते हैं माननीय सांसद विजय मांझी जी, डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव जी, हमारे भाई राजू बर्णवाल जी, नवाब भाई और तमाम अहसन साहब, जितने लोग आए हुए हैं यहाँ पे। बहुत दिनों के बाद हमारे छोटे भाई ने ये कंसेप्ट लाया कि शकील अहमद खान किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है उनके बारे में, उनके नाम पे एक क्रिकेट का टूर्नामेंट का आयोजन किया है। बहुत खुशी की बात है, और जो तमाम लोग, ये सारे लोग जो आए हैं, सबको शकील अहमद खान से कहीं ना कहीं उनका बहुत अच्छा संबंध रहा है, और मैक्सिमम लोगों के पॉलिटिकल ग्रुप ही रहे, तो उनकी याद में ये टूर्नामेंट हो रहा है। और क्रिकेट के माध्यम से हम लोग सोशल हारमोनी का मैसेज देते हैं, आपसी जो रिलेशन होता है वो स्पोर्ट्स के माध्यम से बहुत बेहतर होता है, जो सारे बैरियर होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो हम ये चाहेंगे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के तमाम मेम्बरान से कि बहुत अच्छे से शांतिपूर्वक इस टूर्नामेंट का आयोजन हो, और जब फाइनल होगा 1 तारीख को, शायद मोस्ट प्रोबेबली फाइनल है, तो उस दिन भव्य प्रोग्राम हो।